हेलो एवरीवन, दिस इज सीएसीएस दीपक अग्रवाल और मैं आपका क्लास ले रहा हूँ कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट का। और आज हम लोग एकदम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों, एकदम नया टॉपिक, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। जी हाँ, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। अब दोस्तों ये एकदम बर्निंग टॉपिक है। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ही बर्निंग है क्योंकि इंडिया में बहुत इलीगल एक्टिविटीज़ होता है, बहुत मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है। तो आज ये पूरा कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो अपने सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मनी लॉन्ड्रिंग, सबसे पहले हम लोग को वर्ड लॉन्ड्री को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज लॉन्ड्री। ठीक है, लॉन्ड्री क्या होता है, लॉन्ड्री मतलब क्या होता है, आपको पता है लॉन्ड्री मतलब क्या होता है? लॉन्ड्री मीन्स आपका क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, क्लीनिंग एंड वॉशिंग समथिंग। ठीक है, टू मेक इट क्लीन, क्लीन करना कोई भी चीज़ को, वॉश करके क्लीन करना, वॉशिंग एंड ड्राइंग टू मेक इट क्लीन। तो कोई डर्टी चीज़ को अपनी क्लीन करते हैं, वेन एवर वी वॉन्ट टू क्लीन एनीथिंग डर्टी, वॉश करते हैं उसको, क्लीन करते हैं, धोते हैं, इन ऑर्डर टू वी नीड टू वॉश इट ना, वॉश इट एंड क्लीन इट, टू मेक इट वेरी क्लीन, टू मेक इट लुक नाइस। ठीक है, इन इफ़ यू आर डर्टी इन दैट केस यू बेथ, तो आप बात करते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो, आप अपने आप को क्लीन करते हो। तो क्या होता है, आप अपने आप को लॉन्ड्री कर रहे हो, आप कपड़े को लॉन्ड्री कर रहे हो, यू लॉन्ड्री द क्लोथ। तो लॉन्ड्री वाला नहीं होता है, जो लॉन्ड्री पर्सन होता है ही टेक द क्लोथ एंड मेक इट क्लीन एंड ड्राई करके उसको बढ़िया से आयरन करके ला के दे देता है तो एकदम क्लीन लगता है, तो वो उसको बोलते हैं लॉन्ड्री। ठीक है, दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग एंड वॉशिंग टू एंड ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स और एनीथिंग टू मेक इट क्लीन, तो उसको बोलते हैं लॉन्ड्री। और मनी तो मतलब पता है ना, पैसा, पैसा को बोलते हैं मनी। तो देखिए, जब अपने मनी और लॉन्ड्री को एक संग मिला देते हैं तो क्या बनता है, वॉशिंग ऑफ मनी और क्लीनिंग मनी, दैट इज क्लीनिंग ब्लैक मनी टू मेक इट वाइट, इसको बोलते हैं लॉन्ड्री। ठीक है, वॉशिंग मनी और क्लीनिंग मनी, दैट इज क्लीनिंग ब्लैक मनी टू मेक इट वाइट, तो इसको बोलते हैं वाइट मनी। मतलब ब्लैक मनी को कन्वर्ट करके वाइट मनी बनाना, उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। ठीक है, अब ब्लैक मनी का अपना डेफिनेशन होता है, वो अपने बताएंगे व्हाट इज ब्लैक मनी, लेकिन ये अपने एक मोटे तौर पे जान सकते हैं कि इसको बोलते हैं एक मोटे तौर पे, डेट मीन्स अ वाइडर नोट में, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, इट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी टू वाइट मनी। इन ऑर्डर टू कन्वर्जन मतलब क्या होता है, ब्लैक मनी को वाइट मनी, डर्टी मनी को क्लीन मनी बनाना, क्या वॉशिंग ड्राइंग क्लोथिंग, वॉशिंग ड्राइंग क्लोथिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है, वॉशिंग ड्राइंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, That means the process of cleaning and drying, मतलब process of cleaning and drying is known as laundering, और उसके बाद money, तो मतलब money को cleaning and laundering करना, cleaning and drying करना in order to make it white, तो black money को white money बनाना अपने उसको बोलते हैं money laundering। ठीक है, money laundering। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मनी लॉन्ड्रिंग को समझना है ना, तो आप लोग को ब्लैक मनी को समझना पड़ेगा। इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड मनी लॉन्ड्रिंग, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वॉट इज ब्लैक मनी। वी आर क्लीनिंग ब्लैक मनी, बट वॉट इज ब्लैक मनी, ब्लैक मनी क्या होता है। अब ब्लैक मनी में भी है ना कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ब्लैक मनी में भी कॉन्सेप्ट है, ब्लैक मनी में भी जबरदस्त कॉन्सेप्ट, एकदम मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो ये जो चैप्टर है ना दोस्तों, ये वाला भी चैप्टर जो है आपका पूरा 5 मार्क्स का है, और इसमें 110% जो शुरू का 4-5 पन्ना है ना इंट्रोडक्शन चैप्टर, उसी से आने वाला है। ठीक है, बाकी का चैप्टर जो है ना वो इंटरनेशनल अलग अलग लॉ के बारे में बताता है, जो अपने आगे कवर करेंगे, लेकिन जो ये मेन मोटा तौर पे क्या है ना, ये जो 3-4 पन्ना है ना स्टार्टिंग का, जो PMLA एक्ट के बारे में बता रहा है इंडिया का, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग को खाली वो ही, मतलब उस पर ज़्यादा फोकस कर लेंगे ना, तो मोस्ट ऑफ द MCQs आप कवर अप कर लेंगे, और बाहर का जितना भी है ना, जो आपका बाहर का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया हुआ है, फाटका डिक्लेरेशन के बारे में बताया हुआ है, FATF के बारे में बताया हुआ है, वो सारा चीज़ जो है ना आपका उसमें बेसिकली एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी शायद पूछ सकता है, लेकिन मेरे को भी वो डाउट लग रहा है, बिकॉज PMLA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसी से सारा क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछने का हमको तो नहीं लग रहा है, कि इसमें तो कुछ नहीं लग रहा है कि 100% आएगा आपका कुछ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वॉट इज ब्लैक मनी, काला धन। काला धन सुना है, मोदी जी ने बोलता है कि काला धन आएगा, ठीक है, काला धन को लेके आएंगे अपने, तो काला धन क्या होता है ना, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी,
यहीं पे कर लेते हैं। ब्लैक मनी, ब्लैक मनी क्या हो गया ना, दे कैन बी टू टाइप्स ऑफ ब्लैक मनी। अरे मोदी जी को बोलते हुए नहीं सुना है, हैवंट यू हर्ड मोदी जी दैट ब्लैक मनी विल कम इन इंडिया, स्विस बैंक अकाउंट में जितना भी रुपया है वो सब वापस आएगा, नोटबंदी, डिमोनिटाइजेशन, याद नहीं है डिमोनिटाइजेशन में कितना बड़ा बड़ा सपना दिखाया था। डिमोनिटाइजेशन के पहले जब फर्स्ट टाइम मोदी गवर्नमेंट आया था तो क्या बोला था, सबके अकाउंट में रुपया आ जाएगा, सबके अकाउंट में रुपया आ जाएगा, तो वो बात ठीक है। ब्लैक मनी दो टाइप का होता है, दे आर टू टाइप्स ऑफ ब्लैक मनी, लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट, लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट। अब इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट में क्या अंतर है, अब जैसे मान लीजिए आप सट्टा कर रहे हो, इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, दोज एक्टिविटी विच आर कंसिडर्ड टू बी इलीगल इन इंडिया, दोज एक्टिविटी विच आर कंसिडर्ड टू बी इलीगल इन इंडिया और एनी वेयर अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, दोज एक्टिविटी विच आर कंसिडर्ड टू बी इलीगल इन इंडिया और All around the world, that means unlawful activity. Unlawful activities मतलब क्या हो गया? Unlawful activities मतलब क्या हो गया? Unlawful activities हो गया मतलब arms में smuggling करना, terrorist activity करना, कोई दाऊद इब्राहिम हो आप, drug smuggling करते हो, arms smuggling करते हो, ठीक है, terrorist करते, terrorist activity करते हो, drugs, drugs का smuggling करना, narcotics करना, गांजा हीरोइन का बिजनेस करना, ठीक है, तो नार्कोटिक्स करना, ठीक है, ये सब आपका हो गया इलीगल एक्टिविटी, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, दैट मींस जो एक्टिविटी जो आपके यहां पे इंडिया में इलीगल है, जो एक्टिविटी इलीगल है इंडिया में, वो एक्टिविटी आपका करना उसको बोलते हैं इलेजिटिमेट बिजनेस, इलेजिटिमेट बिजनेस, स्मगलिंग करना, फिर उसके बाद सट्टा बाजार का बिजनेस करना, सट्टा करना, ठीक है, सट्टा को क्या बोलते हैं, बेटिंग, बेटिंग वो वाला नहीं कैसीनो में जाके बेटिंग करना, अलग से, मतलब कि आईपीएल में बेटिंग करना, दैट इज इलीगल ना, यू कैन नॉट डू, आईपीएल में बेटिंग थोड़ी ना कर सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज को बोलते हैं इललेजिटिमेट, इललेजिटिमेट इनकम। और अब आपको पता है क्या लेजिटिमेट इनकम क्या हो गया, लेजिटिमेट इनकम मतलब आपका खुद का पैसा है लेकिन आपने टैक्स नहीं दिया है, मनी अर्नड, इनकम अर्नड फ्रॉम लॉफुल एक्टिविटी बट ऑन विच द टैक्स हैज नॉट बीन पेड। अब आपको पता है दोस्तों, आपको एक चीज पता है, अब आपको एक चीज पता है, इंडिया में है ना, इंडिया में अगर कोई 100 करोड़ रुपीज अर्न कर रहा है ना, सपोज मैं 100 करोड़ रुपीज अर्न कर रहा हूं, 100 करोड़ रुपीस को ये अर्न कर रहा है, तो उसमें क्या पड़ जाता है ना, उसको 30% तो दे देना पड़ता है टैक्स, 2% दे देना पड़ता है सरचार्ज, और 18% दे देना पड़ता है जीएसटी, ठीक है, तो कितना हो गया, 50% टैक्स दे देना पड़ता है। अगर कंपनी है तो 22-25% टैक्स दे देना पड़ता है उसको, तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ रहा है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि बेसिकली वी आर अर्निंग फॉर 50-75% ओनली, अगर इंडिविजुअल है तो 50% और ऐसे है 75%, प्लस साथ ही साथ क्या हो रहा है, हैरेसमेंट हो रहा है पब्लिक लोग का, पब्लिक लोग का क्या हैरेसमेंट हो रहा है, अलग अलग कोई चंदा मांगने आ रहा है, कोई नोटिस भेज रहा है, डिपार्टमेंट बोल रहा है कि और टैक्स दो, और टैक्स दो, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना, जो आदमी लोग होता है ना, वो लोग क्या कर जाता है, टैक्स प्लानिंग करता है, अलग अलग तरीके का टैक्स अवॉइडेंस स्कीम निकालता है, अलग अपने सीए के पास जाके, दे गो टू देयर सीए, सीए, सीएमए इन ऑर्डर टू प्लान देयर बुक्स ऑफ अकाउंट लाइक दैट, सो दैट कि उनका इनकम रिड्यूस हो जाए। अब ये आप जो करते हैं अगर इलीगल तरीके से करते हैं, दैट मीन्स अगर आपने डिडक्शंस कोई ले लिया तब तो ठीक है, मतलब जो लीगल तरीके से अगर आपने अपना इनकम रिड्यूस कर दिया तो ठीक है, अगर लेकिन इलीगल तरीके से करते हैं तो उसको बोल जाए, फिर वो आपका पूरा मनी ब्लैक मनी हो जाता है, ठीक है। सपोज मान लीजिए आपने इनकम अर्न किया, आपका कोई ग्रॉसरी शॉप है, यू हैव अ ग्रॉसरी शॉप एंड यू अर्न रुपीज 10,000 पर डे, that is you earn 10,000 into 365, that means 365,000 per day, kya ho gaya,
क्या हो गया 365, इसको मल्टीप्लाई करो 365 इंटू 10 इंटू 10,000, 365 इंटू 10,000 करो, थ्री सिक्स फाइव जीरो के, ठीक है, डेट मीन्स कितना हो गया 36,50,000 रुपीज़ वो अर्न करता है पर ईयर में, तो उसके ऊपर उसको टैक्स लगेगा, टैक्स स्लैब लेके वो 30% वाला ब्रैकेट में चला जाएगा। अब वो क्या करता है ना, व्हाट ही डज, इंस्टेड ऑफ पेइंग टैक्स ऑन एंटायर मनी, ही ट्राई टू अवॉइड टैक्स by showing less income. कैसे शो करेगा लेस इनकम? अब वो जो ग्रॉसरी सेल कर रहा है ना, अब वो क्या कर रहा है, उसके दुकान में जा रहा है, उसके शॉप में कैश सेल्स भी हो रहा है और उसके बाद बैंक सेल्स भी हो रहा है। अब वो क्या कर रहा है, खाली बैंक सेल्स को दिखा रहा है कि मेरा सेल्स हो रहा है, डेट मीन जो पेटीएम यूपीआई ये सबसे पेमेंट आ रहा है उसको दिखा दे रहा है कि मेरा बैंक से पेमेंट हो रहा है, और जो कैश सेल्स को क्या कर रहा है वो पूरा ही दिखा दे रहा है कि सेल ही नहीं हुआ उसका आइटम, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, बाइफरकेट कर दे रहा है अपना सेल्स को कैश सेल्स एंड बैंक सेल्स में, तो बैंक सेल्स को तो वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रहा है और कैश को क्या कर रहा है, अपना घर में ले जा रहा है। तो इतना जो इनकम है वो उसका लेजिटिमेट इनकम है, कोई गलत तो नहीं कर रहा है ना, वो गलत तो नहीं कर रहा है, ये इनकम जो है अपना ग्रोसरी में सामान बेच के कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है उसके ऊपर टैक्स पे नहीं कर रहा है। वो कैश रख लिया अपने घर में, ही पुट द कैश इन हिज हाउस एंड इंस्टेड ऑफ पेइंग टैक्स वो डिपॉजिट नहीं किया, इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग द मनी इन द बैंक एंड पेइंग टैक्स ऑन दैट, ही शोड दैट ही हैज अर्न ओनली दिस मच। अब वो 36,50,000 छोड़ 36,50,000 नहीं दिखा के क्या दिखा रहा है कि 10,00,000 ही मेरा इनकम हो रहा है, तो कम टैक्स जा रहा है, लेस टैक्स जा रहा है, डेट मीन्स क्या हो गया, ये पूरा जो मनी हो गया वो हो गया ब्लैक मनी। अब क्या करेगा, वो अलग अलग चैनल से इसको ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने का चीज सोचेगा, गोल्ड लेके आएगा, पैसा देके गोल्ड लेके आएगा, तो ये जो गोल्ड है वो ब्लैक मनी है ना, वो मनी लॉन्ड्रिंग हो गया ना, कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इन ऑर्डर टू मेक इट क्लीन, क्लीन मनी बनाना चाहता है। अब खाली जो गोल्ड लेके भी बैठना है ना, उस प्रोसेस को भी अपने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बोलते, अब वो पूरा अपने प्रोसेस समझेंगे आगे जाके, ठीक है। अब ये जो ब्लैक मनी है ना, अगर इसके घर में ये ब्लैक मनी मिला ना, तो ये ब्लैक मनी जो होता है ना, अगर मान लो उसके घर में कैश मिला ना, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि अभी डर्टी मनी है, ये क्लीन नहीं हुआ है, ठीक है। दिस इज डर्टी मनी ओनली, दिस इज नॉट क्लीन, तो इस प्रोसेस को भी अपने ये नहीं बोलते मनी लॉन्ड्रिंग, इस प्रोसेस को ये बोलते हैं कि ये ब्लैक मनी है। अब इसका क्या होता है, अगर खाली ब्लैक मनी मिलेगा तो ऐड बैक कर देगा इनकम टैक्स इंडिया, लेकिन ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तो अप्लाई नहीं होगा, इनकम टैक्स आके उसका वो पैसा लेके हड़प के वो ऐड बैक कर सकता है, उसका इनकम में ऐड बैक कर सकता है, उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट कर सकता है, पेनल्टी कलेक्ट कर सकता है, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ब्लैक मनी मीन्स मनी फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज, ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटीज मतलब इललेजिटिमेट इनकम, ये हो गया इललेजिटिमेट इनकम, ठीक है, सच एज ड्रग्स स्मगलिंग आर्म्स टेररिस्ट एक्टिविटी, ठीक है, इसको बोलते हैं इललेजिटिमेट इनकम, ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा, दैट इज एक्टिविटी विच इज अनलॉफुल, एंड लेजिटिमेट इनकम दैट इज लॉफुल इनकम ऑन विच द टैक्स हैज नॉट बीन पेड, ठीक है, आप टैक्स नहीं पे कर रहे हो, डेट मीन्स गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, उसी के लिए तो पीएमएलए लेके आया है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्लैक मनी। अब इस ब्लैक मनी को जब आप क्लीन करोगे ना, व्हाइट मनी में कन्वर्ट करोगे, तो ये कन्वर्जन के प्रोसेस को बोलते हैं अपने मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। डेट मीन्स ब्लैक मनी इज टू टाइप, लेजिटिमेट एंड इनलेजिटिमेट इनकम। लेजिटिमेट इनकम क्या हो गया, जिसके ऊपर टैक्स नहीं पे किया गया लॉफुल एक्टिविटीज से, जैसे वो ग्रोसरी शॉप वाला करता है, लेकिन इनलेजिटिमेट इनकम क्या हो गया, क्रिमिनल एक्टिविटीज से आपने अगर कोई इनकम अर्न किया है और तो वो पूरा इनलेजिटिमेट इनकम, वो मतलब आपका हो गया ब्लैक मनी, ठीक है। उसके ऊपर चाहे टैक्स पे किया और नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं, इनलेजिटिमेट इनकम है, आपका सोर्स ऑफ इनकम वेरी इनलेजिटिमेट है, जो एक्टिविटी अनलॉफुल है उसको ब्लैक मनी बोलता है। अब ऐसा भी हो सकता है ना यार, कोई टेररिस्ट आदमी है, वो क्या कर रहा है, वो टेररिस्ट आदमी
घूम रहा है इंडिया में, आर्म्स डीलिंग कर रहा है और अलग अलग टेररिस्ट लोग को वो गन सप्लाई कर रहा है और पैसा ले रहा है, उससे क्या हो गया? और वो दिखा रहा है कि उसका कंपनी लेजिटिमेट है, तो वो तो उससे उसका रोल, उसका ब्लैक मनी तो नहीं कन्वर्ट होता है, उससे इंडिया में क्या हो रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ मतलब कि ब्लैक मनी समझाया गया कि एक करमचंद बोल के आर्म्स डीलर है, ठीक है, करमचंद बोल के एक आर्म्स डीलर है, देखो जबरदस्त है एकदम, पूरा मनी लॉन्ड्रिंग यार घुस जाएगा एकदम तुम लोग के अंदर में, ऐसा घुसा देंगे ना यार गजब मजा आ जाएगा। ठीक है, करमचंद क्या है, करमचंद आपने जैसे देखा है अलग अलग हिंदी मूवीज में ये सब में होता है ना, आर्म्स डीलिंग कर रहा होता है, तो ऐसे ही करमचंद बोल के एक डाकू है एकदम पूरा, मतलब कि गैंग, मतलब गैंगस्टर है, और क्या कर रहा है वो आर्म्स डीलिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पैसा रिसीव कर रहा है ना कैश में रिसीव कर रहा है, तो ये जितना भी कैश रिसीव कर रहा है ना, ये जितना भी कैश रिसीव कर रहा है ना, ये जितना भी कैश रिसीव कर रहा है ना, ये जितना भी कैश रिसीव कर रहा है, दैट इज ब्लैक मनी। ऑल द मनी विच इज रिसीव्ड इन कैश, दैट इज ब्लैक मनी। अब उस कैश वाला मनी को, डर्टी मनी को वो व्हाइट मनी बनाना चाहेगा, कौन? ये करमचंद। करमचंद इसको डर्टी मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने का कोशिश करेगा ना। सिमिलरली सिमिलरली एक आदमी है जिसका एक नॉर्मल एक टेक्सटाइल या क्लोथिंग का बिजनेस है। अब वो इनकम अर्न करता है, जैसे मैंने आपको बताया ना 1 करोड़ इनकम अर्न कर रहा है, उसके ऊपर टैक्स भी पे करेगा, जीएसटी भी पे करेगा, तो इंस्टेड ऑफ पेइंग टैक्स वो क्या कर रहा है, वो उस इनकम को कंसील कर ले रहा है, कंसील करके उसके ऊपर क्या कर रहा है, टैक्स पे नहीं कर रहा है बाई वेरियस मेथड्स, वो क्या कर रहा है उस इनकम को कंसील कर रहा है। जैसे ग्रोसरी शॉप का एग्जाम्पल बताया, एकदम जबरदस्त एग्जाम्पल बताया, तो ये सिमिलरली मिस्टर एक्स भी डूइंग लाइक दिस, तो इन दैट केस ही इज ऑल्सो अ मनी लॉन्डरर इन द आई ऑफ लॉ, ही ऑल्सो इज अ मनी लॉन्डरर। मनी लॉन्डर कब बनेगा, जब ही स्टार्टेड कन्वर्जन, कन्वर्जन जब करना चालू करेगा ना, कन्वर्जन स्टार्टेड और फिनिश्ड, देन मनी लॉन्डरर, नहीं तो क्या होगा, इनकम टैक्स वाला आके पकड़ेगा। ठीक है, समझ गया आप लोग ने, ब्लैक मनी समझ गया, ब्लैक मनी क्या होता है पर से, ब्लैक मनी मतलब क्या हो गया, ब्लैक मनी मतलब क्या हो गया, इललेजिटिमेट इनकम या लेजिटिमेट इनकम, लेजिटिमेट इनकम जिसके ऊपर टैक्स नहीं पे किया गया, या इललेजिटिमेट इनकम मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी से, जो अगर ड्रग स्मगलिंग, उसके बाद आपका टेररिस्ट आर्म डीलिंग, उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, बेटिंग, IPL में बैटिंग कर रहा है, डेट इज ऑल अनलॉफुल एक्टिविटी एंड ऑल द मनी अर्न फ्रॉम दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड ब्लैक मनी। ठीक है, या फिर लेजिटिमेट इनकम है, ग्रोसरी शॉप ओनर, ब्लैक कैश सेल्स एंड बैंक सेल्स डिपॉजिटेड इन द बैंक, कैश सेल्स नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक, इन दैट केस ऑल दोज कैश सेल्स आर कंसिडर्ड टू बी ब्लैक, बिकॉज ऑन दैट दैट ही हैज नॉट पेड एनी टैक्स एंड शोन इज इनकम इज लेस, तो इन दैट केस दैट मनी इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लैक मनी। अब पहले अपने ब्लैक मनी समझ गए, अब ब्लैक मनी समझने के बाद अब क्या करते हैं ना, अब ये ब्लैक मनी से कैसे मनी लॉन्ड्रिंग स्टार्ट होता है, अब उस प्रोसेस को समझते हैं। ठीक है, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग स्टार्ट होता है, उस प्रोसेस को पूरा समझते हैं, गजब मजा आएगा, उस मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस को पूरा समझते हैं। गजब मजा आएगा उसका प्रोसेस पूरा समझने में। ठीक है, गजब का प्रोसेस, गजब गजब गजब, कैसे ब्लैक मनी पूरा आपका कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट मनी में, ये पूरा गजब का प्रोसेस। सबसे पहले क्या करेंगे ना, ब्लैक मनी हैंड्स कैसे ट्रांसफर करता है ना ये समझेंगे, ब्लैक मनी हैंड्स कैसे ट्रांसफर करता है ये समझेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अपने को सबसे पहले समझना पड़ेगा हवाला ट्रांजेक्शन। हवाला ट्रांजेक्शन क्या होता है, हवाला ट्रांजेक्शन क्या होता है ना, देखिए जब आप लोग पढ़ोगे ना हवाला, इंडियन मूवीज में और ये सब में पढ़ोगे ना हवाला, एक मूवी आया था शिवाजी द बॉस, शिवाजी द बॉस में इस चीज को बहुत अच्छा से कैप्चर किया हुआ है कि हवाला ट्रेडिंग क्या होता है, हवाला ट्रेडिंग क्या होता है और अलग अलग चैनल से कैसे रुपया आता है इंडिया में या फिर कैसे जाता है, वो पूरा एकदम बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, वो पूरा एकदम बढ़िया से समझेंगे हवाला ट्रेडिंग। ये हवाला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन द केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग।
हवाला क्या हो गया ना, सपोज मान लो आपका जो ग्रॉसरी शॉप है, वो ग्रॉसरी शॉप जो है आपका, जो कि मैं आप लोग को बोला कि ग्रॉसरी शॉप जो है आपका, मान लो आपका ग्रॉसरी शॉप है कैलकटा में, कैलकटा में आपका ग्रॉसरी शॉप है, ठीक है, कोलकाता में आपका ग्रॉसरी शॉप है और कोलकाता में ग्रॉसरी शॉप है। अब आप क्या हो गया ना, ये ग्रॉसरी शॉप जो ओनर है ना, मिस्टर एक्स जो हम लोग बताए, मिस्टर एक्स जो ग्रॉसरी शॉप ओनर है, वो क्या कर रहा है ना, उसको उसको क्या कर रहा है, वो ग्रॉसरी शॉप को, अगर मान लो उसको कुछ रॉ मटेरियल मंगाना है दिल्ली से, वो कैसे मंगाएगा? अगर उसको रॉ मटेरियल दिल्ली से मंगाना है, सपोज ये ग्रॉसरी शॉप को रॉ मटेरियल जो है ना, दिल्ली से मंगाना है, अब उसको दिल्ली से रॉ मटेरियल मंगाना है, लेकिन उसका जितना भी बैंक में पैसा तो है ही नहीं, उसका तो कैश में सारा पैसा रखा हुआ है, ही हैज ओनली कैश। अब उसको दिल्ली में वो पैसा भिजवाना है, वो कैसे भिजवाएगा? अब यहां पे बीच में आ जाता है हवाला ट्रेडर्स का नाम, ठीक है। हवाला ट्रेडर्स लोग क्या होता है ना, हवाला ट्रेडर्स लोग क्या होता है ना, कमीशन एजेंट लोग होता है, ठीक है। बड़ा बाजार में मान लीजिए कोई दुकान है, वो उसका यही काम है, उसका दिल्ली में भी एक एजेंट है और कलकत्ता में भी वो बैठता है, मतलब उसका यही बिजनेस है, उसका मॉडस ऑपरेंडी यही है, वो यही काम करता है। ही इज इन टू दिस ओनली, दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग ओनली ही डज। एक छोटा सा ऑफिस है, गुमटी बना के रखा हुआ है, वो क्या बोलेगा कि आप 1 लाख रुपया मेरे को दे दो, 1 लाख रुपीज यू गुड गिव इट टू मी एंड आई विल आस्क माई एजेंट इन दिल्ली। अब ये क्या करता है, ये भी ऐसे नहीं लेके भेजाता है, ये क्या करेगा, अपना एजेंट को बोल देगा आप 1 लाख रुपया दिल्ली में कोई मिस्टर वाई को दे दो, मिस्टर वाई को आप 1 लाख रुपया दे दो, तो डेट मीन्स क्या हुआ कि हवाला ट्रेडिंग में क्या हुआ कि रुपया कोई बैंक अकाउंट से जाके एक बैंक अकाउंट से दूसरा बैंक अकाउंट में नहीं गया, क्या गया, कैश में आपने एक आदमी को दे दिया और वो पैसा कैश में ही उसने दूसरा आदमी को दे दिया, ठीक है। डेट मीन्स दिल्ली तक रुपया पहुंच गया। अब ये क्या बोलेगा ना, 1 लाख रुपया में आप मेरे को 100 रुपीज दे दो, इसका यही है। अब सोचिए 1 लाख में वो 100 रुपया ले रहा है, वो एक दिन में कितना ट्रांजेक्शन कर लेता होगा, करोड़ों का, 10 करोड़ों का, 20 करोड़ों का ट्रांजेक्शन कर देता होगा वो एक दिन में, डेली वो इतना ट्रांजेक्शन कर देता होगा। और इसमें क्या सिस्टम होता है, ये जो 1 लाख रुपया जो दे रहा है ना मिस्टर एक्स, वो इसको क्या बोलेगा, आप मेरे को एक नोट नंबर देना, नोट नंबर, तो क्या करेगा मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को एक ₹10 का कोई नोट देगा, ₹10 का नोट देगा, मैं आपको दिखाता हूं, ऐसा होता है ना 10 रुपए का नोट। अब यहां पे क्या होता है ना, 10 रुपए का नोट में नीचे में यहां पे नंबर लिखा हुआ होता है, देख रहे हैं ना, ये नंबर लिखा हुआ होता है जो 10 रुपए का नोट में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9282867062। अब क्या करूंगा मैं, इसका व्हाट्सएप से फोटो निकालूंगा और फोटो, मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, मैं दिल्ली में बैठा के मेरे को पैसा चाहिए क्योंकि मेरे को रॉ मटेरियल भेजना है। अब मेरे को पैसा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये 10 रुपए का नोट का मैं फोटो खींच लूंगा। अब फोटो खींच के मैं क्या करूंगा, मैं मिस्टर एक्स को भेज दूंगा और मिस्टर एक्स क्या बोलेगा कि जो भी ये नोट का, ये नोट लेके आए ना आपके पास, जो भी है एनी वन हु कम्स विद दिस नोट यू पे हिम 1 लाख। तो अब ये क्या करूंगा, मैं अपने पर्स में रखूंगा और उसके बाद मिस्टर एक्स का वेट करूंगा। मिस्टर एक्स जैसे बोलेगा ना, हाँ जाओ आप नोट लेके आप मिस्टर वाई के पास चले जाओ, आप मिस्टर जेड के पास, ये हवाला ट्रेडर्स के पास चले जाओ जो वहां पे दिल्ली में है, वो आपको 1 लाख रुपया दे देगा। अब ये क्या करेगा, इसको फोन कॉल करेगा, ये लोग फोन में बात करेगा या व्हाट्सएप में भेज देगा एक दूसरे को, ये हवाला ट्रेडर इसको ये नोट नंबर भेजेगा, जो भी ये नोट लेके आए आप उसको 1 लाख रुपीज पे कर देना। तो क्या होगा, इससे ये दोनों हवाला ट्रेडर्स 100 रुपया अर्न कर लिया, ये इन लोग का कोई भी कंपनी हो। अब इन लोग का कंपनी क्या होता है, रजिस्टर्ड नहीं होता है, या फिर क्या होगा ना, ये कोई भी नाम से रजिस्ट्री कर रहा हो, कोई भी नाम से ये लोग काम कर रहा होगा, कोई भी नाम से। तो इससे क्या होता है, ये हवाला ट्रेडिंग से क्या होता है, ये बिजनेस चल रहा है। मतलब सोचिए ट्रेडिंग का, आप अपना इनकम कंसील करके दिखा दिए, आपके पास कैश है, आप रॉ मटेरियल भी खरीद सकते हो। अब कैसे, आप बोलोगे सर रॉ मटेरियल कैसे भेजेगा, जीएसटी है, ई वे बिल है, ये सारा चीज़ है आजकल, सारा चीज़ है आजकल, ट्रांसपोर्टर में भी, आजकल ट्रांसपोर्ट में भी आप बिना ई वे बिल के अपना मटेरियल भेज सकते हो, जिसको बोलते हैं अपने कच्चा पक्का का बिजनेस। कच्चा में आप अपना माल दिल्ली से कैलकटा भेज सकते हो, क्या करोगे आप अपना कोई ट्रांसपोर्ट पकड़ोगे जो ऐसा काम करता है, वो क्या करेगा आपसे प्रीमियम सर्विस चार्ज करेगा, प्रीमियम रेट्स चार्ज करेगा कि ऐसे मार्केट में क्या है ना, 10 रुपये केजी का रेट चल रहा है, मैं आपसे 20 रुपये केजी लूँगा, आपका माल दिल्ली से कैलकटा भिजवा दूंगा।
तो इससे क्या हुआ, दिल्ली से कैलकाटा माल भी आ गया और उसके बाद आपका ये बिजनेस दोस्तों बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है इंडिया में, और ये गवर्नमेंट को भी पता है, ये गवर्नमेंट को भी पता है। लेकिन क्या ये इलीगल इनकम नहीं है ना, लीगल इनकम है, बस इसमें क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स का नुकसान हो रहा है। इसलिए क्या कर रहा है गवर्नमेंट, अलग अलग इनिशिएटिव्स लेके आता है, जैसे कि जीएसटी लेके आया है। जीएसटी में गवर्नमेंट ने जैसे क्या क्या, ई वे बिल का सिस्टम लेके आया, ई वे बिल में RFID टैगिंग बोल के लेके आया। और क्या कर रहा है गवर्नमेंट, अपनी मशीनरीज को बहुत स्ट्रांग कर रहा है, जैसे जो RTO ऑफिस और जो जो RTO ऑफिसर्स लोग बैठे रहते हैं ना, उन लोग को ट्रेन कर रहा है कि ये सारा चीज़ के ऊपर आप ध्यान लगाओ। तो क्या होता है वेमेंट स्लिप से आजकल आजकल वेमेंट भी चेक किया जाता है गाड़ी का, कि जो ट्रक होता है जिसमें वेट है उतना ही वेट का वेबिल है कि नहीं, उतना ही वैल्यू का वेबिल है कि नहीं। बहुत इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ आता है, जो GST आप लोग पढ़ रहे होंगे ऑब्वियसली उसमें ये ई वेबिल वेबिल बहुत बढ़िया से बता रहा होगा, क्योंकि मेरे को ई वेबिल पढ़ने में ना गजब मज़ा आता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है ना, ये जो होता है ये प्रोसेस को बोलते हैं हवाला ट्रेडिंग। ठीक है, अब अपने चैनल पढ़ेंगे ना अलग अलग टाइप्स का प्लेसमेंट लेयरिंग, तो उसमें हम बताएंगे इंटरनेशनल लेवल में कैसे हवाला ट्रेडिंग होता है, और कैसे एक मूवी का भी एग्जांपल देगा आपको कि कैसे उस मूवी में ये हवाला ट्रेडिंग किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, लोकल एजेंट क्या कर देता है, उसको आपका ट्रांसफर कर देता है। दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ मनी, ट्रांसफर ऑफ मनी हवाला, हवाला ट्रेडिंग का भी लिख लीजिए डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर। ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर, डेट मीन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इज कॉल्ड हवाला ट्रेडिंग। इसको हुंडी भी बोला जाता है, इसको हुंडी भी बोला जाता है। हुंडी मतलब समझ गए, जो ये नंबर दे रहे हैं ना वो उसी का मतलब होता है हुंडी, या फिर चिट। एक हुंडी या फिर चिट से, एक टोकन से पैसा ट्रांसफर हो जा रहा है, एक नंबर से आपका पैसा ट्रांसफर हो जा रहा है। ठीक है, डेट मीन्स वो एक 10 का जो नोट नंबर है ना, वो एक पासवर्ड टाइप का हो गया, कि जो भी आदमी वो लेके आए नोट नंबर, क्योंकि इसमें क्या होता है इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होता है कि मैं एक्स वाई जेड कंपनी को दे रहा हूँ, मैं इस आदमी को दे रहा हूँ, कहीं पे भी कोई एक्सचेंज नहीं होता है। खाली फ़ोन नंबर होता है और नोट नंबर होता है, खाली फ़ोन नंबर है नोट नंबर। बड़ा बाजार में जितना भी होता है, कैलकटा में बड़ा बाजार में बहुत ज़्यादा फेमस है, कैलकटा में बड़ा बाजार, दिल्ली में आपका कनॉट प्लेस, जहाँ पे भी दोस्तों बिजनेस हो रहा है ना, सूरत में बहुत पॉपुलर है ये बिजनेस। सूरत में जो टेक्सटाइल मार्केट है उसमें ये सारा तरीका से आपका पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, बिकॉज वहाँ पे बहुत आदमी लोग टेक्सटाइल्स मंगाता है, रॉ मटेरियल जो मंगाता है चीप रेट्स में मंगाता है, बिकॉज जीएसटी बहुत, जीएसटी को बचाने के लिए क्या ये ट्रेडिंग किया जाता है, जीएसटी से बचने के लिए ये ट्रेडिंग किया जाता है। ठीक है, जिस आदमी को अपना जीएसटी में इनकम नहीं दिखाना है, टैक्स बचाना है, 18% टैक्स बचाना है, वो लोग ये वाला काम करते हैं। ठीक है, देख लीजिए अभी तक हम लोग ने पढ़ा मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, मनी और लॉन्ड्रिंग मिला के मनी लॉन्ड्रिंग बने, धुलाई करना, क्लीनिंग ऑफ मनी, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाना, उसको बोलते हैं ब्लैक मनी। क्या हो गया, लेजिटिमेट एंड इनलेजिटिमेट इनकम, लेजिटिमेट इनकम जिसमें टैक्स पे नहीं किया गया, इनलेजिटिमेट इनकम को भी ब्लैक मनी बोला जाता है। ठीक है, अब कैसे हो सकता है, जैसे अब जैसे लेजिटिमेट इनकम में मैंने क्या बताया, कैश सेल्स दिखा के खाली कैश में ट्रेडिंग कर रहे हैं, कैश में पूरा अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा आपके बारे में। ठीक है, खाली अगर आप कैश में बिजनेस कर रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये जो आउटसाइड इंडिया वाला जो हवाला ट्रेडिंग है ना, वो अपने पढ़ेंगे अभी आगे जाके, जब अपने प्लेसमेंट लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जब अपने पढ़ेंगे, तब फिर अपने उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में, स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या हो गया ना, अलग अलग स्टेज में मनी लॉन्ड्रिंग होता है, अलग अलग स्टेज में। अगर आपको पक्का मनी लॉन्डरर बनना है, इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड मनी लॉन्डरर, इन दैट केस यू हैव टू डू ऑल दिस थ्री प्रोसेस। ये तीन प्रोसेस ही मनी क्लीन होके बाहर आता है, नहीं तो फिर क्या है, आप पकड़े जाओगे, आप गवर्नमेंट की आंख में आ जाओगे। तो ये प्लेसमेंट लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन, ये तीन स्टेप होता है। प्लेसमेंट मतलब प्लेस कर देना, लेयरिंग मतलब लेयर कर देना, और इंटीग्रेशन मतलब क्या कर देना, लेयर करके वापस से इंटीग्रेट करके उस मनी को वाइट करके ले आना। तो आप ये तीनों प्रोसेस बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने समझेंगे, तीनों प्रोसेस बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझेंगे। ठीक है, आ जाइए प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट क्या होता है ना, अब मैं बड़ा बाजार वाले लोग का बात नहीं करूंगा, ठीक है, वो लोग तो यार छोटा चोर होता है, वो लोग छोटा चोर होता है। जो बिजनेसमैन लोग होता है ना, वो लोग ये तीनों स्टेप नहीं करता है, वो लोग खाली प्लेसमेंट कर देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूं,
प्लेसमेंट क्या होता है ना, प्लेसमेंट क्या होता है कि आप अपना ब्लैक मनी, कोई कैश बेस्ड बिजनेस में डाल देते हो। कोई कैश बेस्ड बिजनेस में डाल देते हो ना, कैश बेस्ड बिजनेस में डाल देते हो, जिसमें क्या होता है, कैश बेस्ड बिजनेस में डालने से क्या होता है कि आपको क्या, गवर्नमेंट को क्या लगता है कि हाँ ये कैश में इनकम आ रहा है, इसका कैश में इनकम आ रहा है, और फिर क्या करते हो, कैश में इनकम, कैश बेस्ड बिजनेस में डालने के बाद सोर्स ऑफ इनकम जहां बताने का दरकार नहीं होता है, सोर्स ऑफ इनकम बताने का जहां पे दरकार नहीं होता है, उसको बोलते हैं प्लेसमेंट, उसको बोलते हैं प्लेसमेंट। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूं कि आपके पास 10 करोड़ रुपया है, आप एक स्मॉल बिजनेसमैन हो, आप स्मॉल बिजनेसमैन हो, आपके पास 10 करोड़ रुपया है, ठीक है, आपके पास 10 करोड़ रुपया है, एक स्मॉल बिजनेसमैन हो, और छोटा ले लेते हैं ना, 1 करोड़ रुपया ले लेते हैं, ठीक है, 1 करोड़ रुपया है। अब क्या करोगे ना, आपको इसको वाइट करना है, तो आप क्या करोगे, इसको छोटा छोटा सम में डिवाइड कर दोगे। अब आपको पता है ना कि गवर्नमेंट में यू कैन नॉट डिपॉजिट इन अ बैंक, 10 लाख से ऊपर आप डिपॉजिट नहीं करते हो, नहीं तो स्क्रूटनी आ जाता है, पता है ना, यू कैन नॉट डिपॉजिट इन अ बैंक 10 लाख रुपीज अयर, अदरवाइज यू विल हैव स्क्रूटनी। तो आप क्या करोगे, 10 लाख से नीचे डिपॉजिट करोगे, 10 लाख से नीचे आप डिपॉजिट करोगे, तो क्या करोगे, ये 1 करोड़ रुपया को क्या करोगे, 8 लाख करके आप डिवाइड कर लोगे, डिवाइड करिए 8 लाख करके, 1 करोड़ रुपया को 1 लाख, अगर 8 लाख से अपने डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, 12-13 बैंक अकाउंट आएगा, 13 बैंक अकाउंट। आप 13 बैंक अकाउंट में क्या करेंगे, आप इसको डिपॉजिट कर देंगे। अब आपको क्या करना है कि अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना नहीं है ना, तो क्या करना पड़ेगा, सबको दिखा दोगे, मदर, फादर, सिस्टर, अब सबका अलग अलग बैंक अकाउंट है, कितना सारा बैंक अकाउंट है, सब में अलग अलग बैंक अकाउंट में आप रुपया डाल दोगे, ठीक है, सब में अलग अलग बैंक अकाउंट में आप रुपया डाल दोगे, दैट मीन्स यू आर डिवाइडिंग द सम ऑफ मनी इंटू स्मॉल अमाउंट्स एंड डिपॉजिटिंग द मनी इन द बैंक, डिपॉजिटिंग द मनी इन द बैंक। फिर क्या होगा, गवर्नमेंट को क्या, कैसे पता चलेगा, अलग अलग आदमी अलग अलग छोटा छोटा इनकम अर्न कर रहा है, 5 लाख से नीचे ही डाल रहे हो जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, 2.5 लाख से नीचे ही डाल रहे हो, 2-2.5 लाख से नीचे ही डाल रहे हो, अलग अलग बैंक अकाउंट है, अलग अलग बैंक, मम्मी पापा चाचा ताऊ सबके बैंक अकाउंट में डाल के आप उस पैसा को आपने बैंकिंग सिस्टम में डाल दिया, क्या हो गया, वो मनी ब्लैक का व्हाइट हो गया, आपका मनी ब्लैक का व्हाइट हो गया। अब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करो ना, पैसा तो बैंक में चला गया ना, ये आपका मनी ब्लैक का व्हाइट हो गया। अब ये होता है प्लेसमेंट। अब इसमें क्या प्रोसेस क्या होता है ना, ये प्लेसमेंट ये जो है ना, छोटा ट्रेडर का लोग करता है, स्मॉल ट्रेडर्स लोग, अब थोड़ा सा बड़ा जो ट्रेडर होगा ना वो क्या करेगा, थोड़ा सा बड़ा जो ट्रेडर होगा ना वो क्या करेगा, मैं बताता हूं, थोड़ा सा बड़ा ट्रेडर लोग क्या करेगा, वो लोग कैश बेस्ड बिजनेस को ढूंढ के लेके आएगा। एक तो तरीका ये हो गया कि आप अपने बैंक अकाउंट में सारा रुपया डाल दीजिए, लेकिन ये भी क्या हो गया ना, गवर्नमेंट को बहुत इजीली पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि क्या होगा, वो लोग को बस खाली बैंक अकाउंट से, बैंक वाला लोग से पूछना है कि ये कहाँ से आया पैसा, और वो डिटेल दे देंगे। लेकिन क्या ना, ये जो छोटा ट्रेडर लोग होता है ना, 1 करोड़ रुपया जो 10-10 लाख करके डिवाइड कर देता है, जैसे मान लीजिए आपके मदर का फाइल में आया 10 लाख रुपया, पकड़ लिया कि ये इलेजिटिमेट इनकम है, तो क्या खाली 10 लाख रुपए तो ऐड बैक होगा, तो ये जो छोटा ट्रेडर लोग होता है ना, उन लोग के लिए, जिन लोग के लिए 10 लाख भी बड़ा है, तो 10 लाख भी ऐड बैक होगा, तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, ये सब बहुत छोटा अमाउंट है, तो गवर्नमेंट इतना जल्दी आता नहीं है लोग के पास। तुम विजय माल्या थोड़ी ना हो, टाटा थोड़ी ना हो, अंबानी थोड़ी ना हो, क्यों आएगा तुम लोग के पास, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या है, इन लोग के पास नहीं आता है, गवर्नमेंट आता है बड़ा बड़ा हवाला ट्रेडर्स लोग के पास, उसके ऊपर ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आता है, ठीक है। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या हो गया, सॉरी, ये मतलब जो स्मॉल ट्रेडर्स, तो थोड़ा सा बड़ा ट्रेडर्स लोग होता है ना, बिग ट्रेडर्स,
अब वो लोग क्या करेगा, कैश बेस्ड बिजनेस में अपना पैसा लगाएगा। कैश बेस्ड बिजनेस क्या हो गया, सपोज मान लो वो लोग क्या करेगा ना, रेंट पे एक शॉप खरीद लेगा, एक रेंट पे एक शॉप ले लेगा और बोलेगा ना कि वहां पे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कैश बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं। डेट मीन्स टेक्सटाइल का मान लो बिजनेस कर रहे हैं जिसमें कैश सेल्स होता है, कोई ग्रोसरी शॉप है जिसमें कैश सेल्स होता है। अब क्या करेगा ना, दिखा देगा कि मेरा 50 लाख का सेल्स हो गया पूरा साल में, ठीक है, पूरा 50 लाख का सेल्स हो गया, इतना कैश आ गया, और ये सारा कैश बैंक में डाल देगा। कौन सा अकाउंट में डालेगा, ये जो ग्रोसरी शॉप जो खोला है ना, या टेक्सटाइल शॉप जो खोला है उसके शॉप में। बोलेगा मेरा तो कैश सेल्स हो रहा है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट आप मेरा देख लो, मेरा कैश में सेल्स हो रहा है, मैंने बिल फाड़ा हुआ है वो भी आप देख लो। तो फिर बोलेगा ठीक है, 50 लाख तो आपका कैश सेल्स हुआ है, 50 लाख पे पूरा टैक्स दे दीजिए। अब क्या करेगा ना, वो रॉ मटेरियल भी देखेगा, दिखाएगा कि मैंने कैश में खरीदा, कैश परचेज एंड कैश सेल्स। और क्या करेगा, ये 50 लाख में मान लो 1 लाख रुपया दिखा देगा उसका इनकम है, तो क्या हुआ, 1 लाख रुपया लगा उसका, 1 लाख रुपया पे क्या परसेंट टैक्स लगेगा, मान लो कंपनी भी है, अगर कंपनी भी है 22% टैक्स लगेगा, 1 लाख रुपया पे अगर आपका 22% टैक्स लगेगा तो क्या हुआ, 22,000 रुपया टैक्स लगा और पूरा 50 लाख रुपया उसका वाइट मनी में कन्वर्ट हो गया। सोचिए 22,000 डिवाइडेड बाई 50 लाख इंटू 100, 0.44% भी नहीं लगा। तो इसमें यार अगर 1 लाख रुपया भी लगे, 2 लाख रुपया भी टैक्स लग जाए तो क्या खराब है, आपका पूरा पैसा तो वाइट हो गया ना। तो ये हो गया कैश बेस्ड बिजनेस। क्या होगा, कैश बेस्ड बिजनेस, पूरा कैश बेस्ड बिजनेस। मान लो पेट्रोल पंप ही खोल लिया, जैसे होता नहीं बड़ा बड़ा, आप लोग देखो गैंगस्टर वैंगस्टर लोग का पेट्रोल पंप रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि पेट्रोल पंप में सब पेट्रोल जो है ना कैश से ही भराता था, ठीक है, कैश से ही भरवाता था। तो ये जो प्रोसेस को है ना बंद करने के लिए, ये जो प्रोसेस है, जो ये छोटा छोटा ट्रेडर्स लोग है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बोले यार ये लोग तो लेजिटिमेट इनकम है, तो अपने लोग को फोर्स करेंगे कि ये लोग टैक्स पे करें, वी विल फोर्स देम टू पे टैक्स। तो क्या किया ना गवर्नमेंट, डिजिटल इंडिया स्कीम लेके आया, डिजिटल इंडिया स्कीम में क्या बोला कि सब लोग आप क्या करो ना डिजिटली पे करो। डिजिटली पे में क्या करेंगे, आपको कैशबैक मिलेगा, अलग अलग तरीके का क्या करा गवर्नमेंट, इंसेंटिव लेके आया कि आप पेट्रोल पंप में भी जाओगे ना, आप कैश पे करोगे ना तो आपको नुकसान है, अगर आप बैंक से पे करोगे ना तो आपको ज़्यादा फायदा है, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया स्कीम लेके आया, फिर उसमें क्या किया, अलग अलग इंसेंटिव दिया, जिससे क्या बोल रहा है गवर्नमेंट कि आप कैश से बचो, अलग अलग इंसेंटिव दिया। तो क्या किया, इन ऑर्डर टू रिड्यूस कैश, बिकॉज कैश अगर होता है ना तो वही ब्लैक मनी को प्रमोट करता है, तो कैश जहां बंद हो जाएगा वहां ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। तो कैश रिच इकोनॉमी में क्या होता है ना, कैश रिच इकोनॉमी, इंडिया इज अ कैश रिच इकोनॉमी, बिकॉज इंडिया में बहुत स्मॉल स्मॉल ट्रेडर्स लोग हैं जो बेसिकली कैश में ही काम करते हैं, और जहां कैश में काम होता है ना वहां पे आपका क्या होता है, ब्लैक मनी जनरेट होता है, बिकॉज क्या होता है उसमें टैक्स पे कलेक्ट नहीं कर पाता है, बहुत मुश्किल होता है अलग अलग। अब ये बताइए गवर्नमेंट कितना सारा शॉप्स में जाके देखेगा, और बहुत सारा ऐसा होगा कि जेन्युइन शॉप्स होगा, आप एक मॉल में जाते हो, आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हो, देखते नहीं वो लोग कैश में भी कलेक्ट कर रहा है पैसा। अब वो क्या करता है, ये जो कैश सेल्स है ना उतना डिपॉजिट करना पड़ता है बैंक में, रुपया उतना रुपया बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है। अब आप ये कैश सेल को डिपॉजिट नहीं करोगे बैंक में तो क्या होगा, उतना आपका इनकम ब्लैक मनी में चल जाएगा। लेकिन जो आपका स्मॉल ट्रेडर्स लोग है, जो स्मॉल ट्रेडर्स लोग है जो कहीं और का ब्लैक मनी, कहीं और का ब्लैक मनी अगर उसको वाइट करना चाहते हैं, तो उसका दो प्रोसेस है, या तो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट को आप कुक कर लीजिए, कुकिंग ऑफ बुक्स जो हम लोग पढ़े थे आपका उसमें फॉरेंसिक में, कुकिंग ऑफ बुक्स, आप अपना इनकम को मत दिखाइए आप, क्योंकि रॉ मटेरियल दिखाइए आपने कैश में परचेस किया है तो उससे आपका इनकम खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का दरकार पड़ेगा, उसके लिए आपको कंपनी सेक्रेटरी का दरकार पड़ेगा, उसके लिए आपको कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट का दरकार पड़ेगा जो ये काम कर सकता है आपके लिए, रॉ मटेरियल करके आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएगा कि प्रॉफिट कम आ रहा है। या तो क्या होगा, आप पेट्रोल पंप में जाइए, आप पेट्रोल पंप वालों को बोलिए कि आप मेरा कैश ले लो 5 लाख रुपया, और एक काम करो 5 लाख नहीं, हम तुमको 5.5 लाख रुपया देते हैं, आप क्या करो इसको वाइट मनी में कन्वर्ट कर दो। या फिर अपने नाम से ही पेट्रोल पंप खोल लेगा, अपने नाम से ही पेट्रोल पंप खोल लेगा और क्या करेगा, पूरा दुनिया का ब्लैक मनी लेके उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करेगा, उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करेगा, आरटीजीएस कर दिया करेगा उसको, ठीक है।
तो ये होता है कैश रिच बिजनेस। अब आपको पता है, एक तो मिर्जापुर बोल के एक सीरीज आया था, देर वॉज अ सीरीज, वेब सीरीज नेम मिर्जापुर। तो इसमें क्या है ना, मिर्जापुर में आपका याद है कालीन भाई बोल के एक आदमी था, पंकज तिवारी, पंकज त्रिपाठी। तो ये कालीन भाई का दो टाइप ऑफ बिजनेस था, एक कारपेट का और एक आपका गन्स का। तो ये गन्स का क्या था, इललेजिटिमेट इनकम था, इललेजिटिमेट इनकम। और ये कारपेट का क्या था, लेजिटिमेट इनकम। तो वो क्यों कारपेट का धंधा करता था, क्योंकि अपना इललेजिटिमेट इनकम को लेजिटिमेट में कन्वर्ट करने के लिए वो कालीन का धंधा करता था, कारपेट का धंधा करता था। क्यों करता था, बिकॉज उसका इललेजिटिमेट इनकम लेजिटिमेट दिखे, इसीलिए वो कालीन का धंधा करता था। वो पॉलिटिशियंस भी था, तो सोचिए वो पॉलिटिशियन भी था, किस लिए था, कि सबको लगता था, आम जनता को क्या लगता था कि वो कारपेट क्लीनिंग का काम कर रहा है, लेकिन वो क्या करता था, गन्स का ट्रेडिंग करता था, गन्स का ट्रेडिंग करता था। तो बेसिकली क्या होता है, जो ये स्मगलर्स लोग होता है और ये सब लोग होता है ना, ये लोग दोहरा जिंदगी जीता है, दोहरा जिंदगी जीता है। एक तरफ तो ये लोग क्या करता है, एक तरफ दिखाता है, एक तरफ दे शो दैट दे आर वेरी गुड, दे आर डूइंग अ वेरी लेजिटिमेट इनकम, दे आर डूइंग सोशल सर्विस, दे आर डूइंग दिस, दे आर डूइंग दैट। लेकिन दूसरी तरफ दे आर डील्स इन गन, गन्स ट्रेडिंग करता है, या फिर टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, स्लीपिंग सेल चलाता है, मतलब इंडिया को तबाह करने का सोचता है। मतलब क्या सोचता है, जैसे स्पेशल 26 ये सब नहीं देखा है आपने, देखा नहीं है, इललेजिटिमेट, चोरी चमारी ये सब कर रहा है, लेकिन बाहर से दिखा रहा है कि दे आर वेरी क्लीन, समझ गया, दे आर वेरी क्लीन, लेकिन अंदर से क्या है, दे आर वेरी डर्टी, दे आर वेरी डर्टी। तो दैट मीन्स दे हैव बिकम एक्सपर्ट इन मनी लॉन्ड्रिंग, दे हैव बिकम एक्सपर्ट इन मनी लॉन्ड्रिंग। तो दिस इज नोन एज प्लेसमेंट, दिस इज नोन एज प्लेसमेंट। अब देखिए प्लेसमेंट क्या होता है ना, प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग मनी बाय डिवाइडिंग द मनी इनटू स्मॉल अमाउंट एंड प्लेसिंग इट इनटू कैश बेस्ड बिजनेस और प्लेसिंग द मनी इन ऑफशोर सेल कंपनीज विदाउट डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी और ओनर ऑफ द फंड। ठीक है, अब दोस्तों एक अलग तरीके का प्लेसिंग अपने समझेंगे, एक अलग तरीके का प्लेसिंग जो कि आपका स्मगलर्स लोग करता है, जो कि आपका स्मगलर्स लोग करता है। अब इसके लिए है ना पूरा जबरदस्त तरीके से आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये सब कॉपी कर लेना भाई, क्योंकि हम मिटा देता है, जाएगा नहीं ये सब आपके पास, रफ वाला नहीं जाएगा कोई भी, कॉपी कर लेना वीडियो को पीछे देख के। अनलिमिटेड व्यूज है एमईपीएल में, कितना भी व्यूज देख लो, 1x2x व्यूज नहीं है, कितना भी व्यूज, जितना व्यूज देखना है आप देख सकते हो, अनलिमिटेड व्यूज का यही फायदा है। नोट्स जा जा के कॉपी कर लो, लेक्चर में ध्यान दो फिर उसके बाद नोट्स लिखो, लेक्चर में ध्यान दो फिर उसके बाद आप नोट्स लिखो, चाहे जितना नोट्स लिखना है लिख लो आप। अब क्या है ना, एक बड़ा जबरदस्त तरीके का मनी लॉन्ड्रिंग समझते हैं, जो कि अलग अलग मूवीज में आप लोग को दिखाता है। ठीक है, अब आपको पता है इंडिया, इंडिया का अलग अलग कंट्रीज के संग ना इंफॉर्मेशन शेयरिंग का टाइप है, अलग अलग कंट्रीज, जैसे मान लीजिए ब्रिटेन हुआ, यूएसए हुआ। अब आप क्या कर सकते हो ना, अगर मान लीजिए आपका यूएसए में अकाउंट है, आपने यूएसए में कुछ पैसा डाला है ना, इंडिया वो इंफॉर्मेशन मंगा सकता है। लेकिन क्या है ना, अलग अलग और भी बहुत सारा कंट्रीज है जिसको अपने टैक्स हेवन बोलते हैं, टैक्स हेवन मतलब वहाँ पे टैक्स नहीं लगता है, वहाँ पे टैक्स नहीं लगता है। एनआरआई वहाँ पे जाके कोई रुपया डालेगा ना, एनआरआई मतलब कि फॉरनर्स, कोई वहाँ पे जाके रुपया डालेगा, मतलब इंडियन वहाँ जाके अगर रुपया डालेगा, वो आपसे डिस्क्लोजिंग नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा नहीं इन्फॉर्मेशन कि क्या है, वो बस पैसा वो रख लेगा अपने पास बैंक में और आपका इंफॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं करेगा। तो वैसा बहुत जगह जगह अलग अलग जगह वो कंट्रीज है, जैसे केमैन आइलैंड्स, मॉरिशियस, स्विट्जरलैंड, पढ़ा नहीं, स्विस बैंक में अपना पैसा डाल दिया, पनामा आइलैंड। तो ये सारा जगह क्या होता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग ये लोग करता नहीं है किसी के संग, ये लोग इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं करता है। मतलब आपका अगर बैंक का अकाउंट का डिटेल है,
तो ये लोग नहीं बताएगा किसी को भी, मतलब इंडियन गवर्नमेंट अगर चाहेगा भी ना तो स्विस बैंक में कितना, बैंक अकाउंट में कितना रुपया है वो लोग नहीं पता कर सकता। क्यों नहीं पता कर सकता? क्योंकि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग नहीं है। स्विस बैंक यही बोलता है कि हम किसी का इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट से भी प्रेशर आएगा तो भी नहीं शेयर करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बना रखा है कि वी डू नॉट शेयर एनी इन्फॉर्मेशन विथ एनी वन। तो इसीलिए स्विस बैंक में देखेंगे जितना भी ये सब जो इलीगल पैसा है ना, स्विट्जरलैंड में अलग अलग बैंक अकाउंट में रहता है। अब आप बोलोगे यार इंडिया में पैसा है, स्विट्जरलैंड में कैसे चला गया? ऑब्वियसली अगर आप एयरपोर्ट में जाओगे बैग भर के और जाएगा सिक्योरिटी में चेक करोगे तो ऑब्वियसली वो आपको धर लेगा, आपको पकड़ लेगा। क्या एयरपोर्ट में बैग लेके जाओगे? क्या एयरपोर्ट में बैग लेके जाओगे? आजकल तो आदमी ट्रेन में ले जाने से डरता है, ट्रेन में भी पकड़ सकता है टीटी आपको, ठीक है? ट्रेन में भी यू कैन नॉट कैरी इतना रुपया, नहीं लेके जा सकते। ये नहीं बोला कि ऐसा एयरपोर्ट से नहीं लेके जा रहे तो ट्रेन में लेके चले गए, अलाउड नहीं है रुपया लेके जाना ट्रेन में, समझ गए ना? तो आप क्या कर सकते हो, अब क्या होगा यहाँ पे, इंटरनेशनल हवाला ट्रेडिंग होगा। इंटरनेशनल हवाला ट्रेडिंग अब इंटरनेशनल हवाला ट्रेडिंग क्या होता है ना, इंटरनेशनल हवाला ट्रेडिंग मतलब इंडिया से स्विट्जरलैंड में रुपया चला जाएगा, इंडिया से स्विट्जरलैंड में रुपया चला जाएगा। अब क्या कर रहा है ना, इंडिया में मान लो दाऊद है ना, दाऊद मान लीजिए, दाऊद क्या किया ना, बॉम्ब ब्लास्ट किया ना, तो उसको रुपया मिला बहुत, तो वो क्या किया कि वो रुपया मान लीजिए उसको 500 करोड़ रुपया मिल गया। अब उसको 500 करोड़ रुपया इंडिया में तो कैसे करेगा, कितना मनी, कितना अमाउंट में डिवाइड करेगा, कितना बैंक में डालेगा? तो प्लेसमेंट खाली नहीं करेगा, कितना कैश रिच बिजनेस में डालेगा? तो उसको क्या सूझा कि हम स्विट्जरलैंड में अपना रुपया डाल देते हैं, हम अपना बैंक स्विट्जरलैंड में रुपया डाल देते हैं, तो कैसे करेगा उसको स्विट्जरलैंड में ये 500 करोड़ रुपया पहुंचाना है, तो वो क्या करेगा, इंटरनेशनल हवाला ट्रेडर्स का यूज़ करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल छोटा मोटा ट्रेडर्स नहीं होता है, वो लोग बड़ा बड़ा ट्रेडर हो सकता है, वो लोग टेररिस्ट ही है खुद ही, वो लोग टेररिस्ट ही है, हो सकता है दाऊद इब्राहिम खुद ही हो इंटरनेशनल हवाला ट्रेडर्स, वो यही काम करता है हवाला ट्रेडिंग का। तो इसमें कमीशन बेसी होता है, बिकॉज एक बॉर्डर से दूसरा बॉर्डर में रुपया जा रहा है, स्विट्जरलैंड में रुपया जा रहा है, और स्विट्जरलैंड का बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा किसके नाम से, दाऊद के नाम से ही रुपया डिपॉजिट हो जाएगा। तो दाऊद क्या करेगा ना, स्विट्जरलैंड में अपना एक एजेंट को या फिर टेररिस्ट को क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, तुमको 500 करोड़ रुपया एक जन से मिलेगा और उसको मेरे बैंक अकाउंट में डाल देना, उसको मेरे बैंक अकाउंट में डाल देना। किसको बोलेगा? हो सकता है दाऊद इब्राहिम अपना छोटा चेतन या छोटा सजीन, किसी को छोटा चोटू को वहां पे रख के रखा है स्विट्जरलैंड में, और वहां पे उसको बोलेगा कि तुमको 500 करोड़ रुपया मिलेगा एक जन से, वो 500 करोड़ रुपया मैं यहां का इंडिया का हवाला ट्रेडर को दे रहा हूं, वो वहां पे हवाला ट्रेडर को देगा। सर 500 करोड़ रुपया ये हवाला ट्रेडर दे देगा एक दूसरे को? अरे बाबू दाऊद इब्राहिम दे रहा है, वो रुपया मारने का कोशिश करेगा कि उसको ही गोली मार देगा, समझ गए? तो ये इंटरनेशनल हवाला ट्रेडर्स क्या होते हैं, वैसे भी ये लोग क्या होते हैं, बहुत उसूल का पक्का होता है अपना, दो यार दे आर डूइंग इलीगल एक्टिविटी, लेकिन वो अपना उसूल का पक्का होता है, मतलब ये रुपया वो उसको पहुंच जाएगा। क्या करेगा वो 500 करोड़ रुपया में, हो सकता है 100 करोड़, हो सकता है 50 करोड़ रुपया कमीशन रख ले, 450 करोड़ रुपया दे दे, तो 450 करोड़ रुपया भी खराब थोड़ी ना है, 450 करोड़ रुपया स्विट्जरलैंड का बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। किसको पता, स्विट्जरलैंड का बैंक अकाउंट में किससे जमा कराएगा, दाऊद का ही बैंक अकाउंट होगा, उसमें जमा हो जाएगा रुपया। मतलब क्या किया ये छोटा, क्या किया पहले दाऊद का एक बैंक अकाउंट खुलवाया वहां पे, और उसके बाद अब उसमें डिपॉजिट कर दिया रुपया। तो क्या हुआ, ये बैंकिंग सिस्टम में चला गया, स्विट्जरलैंड में चला गया, और क्या हो गया, प्लेसमेंट हो गया। कहाँ पे हो गया, प्लेसमेंट हो गया, स्विट्जरलैंड में जाके वो रुपया प्लेस हो गया, स्विट्जरलैंड में जाके वो रुपया प्लेस हो गया, ठीक है? तो ये समझ में आया हवाला ट्रेडिंग का बिजनेस। अब क्या होगा ना, ये हवाला ट्रेडिंग जब प्लेसमेंट हो गया ना, अब इसको ये लोग लेयरिंग करेगा, अब इसको ये लोग लेयरिंग करेगा। लेयरिंग क्या होता है, अब देखिए ये पहले ये वाला जो पॉइंट है ना ये समझ लेते हैं। और प्लेसिंग द मनी इन द ऑफशोर सेल कंपनीज विदाउट डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द ओनर्स ऑफ द फंड। ये जो है ना, ये पॉइंट जो है लेयरिंग के लिए समझ में आएगा, ठीक है? क्यों हम लोग ऑफशोर में सेल कंपनीज में डालते हैं रुपया, ये बड़ा बड़ा ट्रेडर्स लोग करता है, जैसे मान लीजिए विजय माल्या, जो बड़ा बड़ा मनी लॉन्डर्स लोग हैं, विजय माल्या जो बड़ा बड़ा ब्लैक मनी है जिन लोग के पास, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब लोग ये वाला काम करते हैं, ऑफशोर में सेल कंपनीज में अपना पैसा डाल देते हैं, और उसके बाद क्योंकि उससे क्या होता है ओनर नहीं पता चले। अब जैसे कि अपने प्लेसमेंट पहले समझे ना, जब अपने प्लेसमेंट समझे, जब अपने प्लेसमेंट समझे,
जब अपने प्लेसमेंट समझे, प्लेसमेंट प्लेसमेंट जब अपने समझे प्लेसमेंट में अपने क्या समझे, स्मॉल अमाउंट्स में डिवाइड कर देगा रुपया को और बैंक में डाल देगा, ठीक है, छोटा छोटा अमाउंट्स में बैंक में डाल देगा। और एक अपने समझे, एक अपने क्या समझे, कैश बेस्ड बिजनेस में डाल देगा, कालीन भाई वाला एग्जाम्पल, कैश बेस्ड बिजनेस में डाल देगा, या फिर कैश बेस्ड बिजनेस में डाल देगा, या फिर क्या करेगा, फॉरेन कंपनीज में, फॉरेन का बैंक्स में डाल देगा रुपया। जब इतना रुपया है ना, बहुत दिक्कत है। और अगर आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, आपको इंडिया छोड़ के भागना है, तो क्या करोगे, आप फॉरेन बैंक्स में अपना रुपया डाल दोगे, आप फॉरेन बैंक्स में अपना रुपया डाल दोगे। और वो क्या करते हैं, फॉरेन बैंक्स आपका आइडेंटिटी शेयर नहीं करते, कहाँ शेयर कहाँ करेंगे, जहाँ पे आइडेंटिटी शेयरिंग का कोई, आइडेंटिटी शेयरिंग का कोई एग्रीमेंट नहीं है, आइडेंटिटी शेयरिंग का कोई एग्रीमेंट नहीं है, देर इज़ नो एग्रीमेंट फॉर शेयरिंग ऑफ योर आइडेंटिटी या फिर इंफॉर्मेशन, देर इज़ नो इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन द ऑफशोर कंपनी एंड यू, बिटवीन द ऑफशोर कंपनी, ऑफशोर कंपनी क्या हो गया, बैंक्स वैंक्स ये सब में पैसा डाल दिया। अब क्या करेगा ना, अब क्या करेगा, मान लो उसका बैंक में स्विट्जरलैंड में पैसा है, स्विट्जरलैंड का कोई बैंक में पैसा है, अब वो क्या करेगा ना, एक स्विस कंपनी बनाएगा, एक स्विस कंपनी बनाएगा, एक स्विस कंपनी बना लिया, जैसे दाऊद, दाऊद तो बहुत, इब्राहिम ट्रेडिंग कंपनी। अब दिखाएगा ना ये क्या करता है, स्टॉक ब्रोकिंग करता है या फिर ट्रेडिंग करता है, इस कंपनीज में अपना पैसा वो डाल देगा, ये कंपनीज में अपना पैसा डाल देगा, एक शेल कंपनीज बना लेगा, दिखाएगा कि ये ट्रेडिंग करता है, लेकिन बेसिकली दे डोंट डू एनीथिंग, दिखाएगा कि ये ट्रेडिंग कंपनी है, एक शेल कंपनी मतलब फॉल्स कंपनी बना लेगा, और इसका डायरेक्टर किसी और को बना देगा, अपना रिलेटिव लोग को, अपना एम्प्लॉयज लोग को उसका डायरेक्टर बना देगा, जिससे क्या करेगा, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जिससे क्या होता है कि उसको ये लगे कि ये इंफॉर्मेशन, ये मतलब कि ये जो आदमी है अपना, मतलब कि दिखा देगा, आइडेंटिटी छुपा देगा कि मतलब ये इसका बिजनेस नहीं है, ये मतलब इसका लेजिटिमेट बिजनेस है, जो कि इललेजिटिमेट बिजनेस से ये पैसा इसमें लगा रहा है, इललेजिटिमेट बिजनेस से पैसा इसमें लगा रहा है। अब क्या करेगा, मान लो ये इंडिया है और ये स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड या कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी है, अब यहाँ पे क्या किया, अलग अलग जगह टेररिस्ट एक्टिविटी करके दाऊद इब्राहिम ने क्या किया, 500 करोड़ रुपया अर्न किया, फिर ये पैसा यहाँ पे भिजवा दिया हवाला ट्रेडिंग से, ये क्या था, ब्लैक मनी था इसका, यहाँ क्या किया, स्विस बैंक में अपना ये पैसा जमा करवा दिया, ठीक है, यहाँ क्या किया, स्विस बैंक में अपना पैसा जमा करा दिया, ठीक है। अब यहां पे क्या किया, इब्राहिम ट्रेडिंग कंपनी में ये रुपया को पूरा डिपॉजिट करा दिया। अब ऐसा एक कंपनी नहीं खोलेगा, अब स्विस बैंक अकाउंट है, स्विस बैंक अकाउंट में रुपया है, क्या किया, अलग अलग जगह अलग अलग कंपनी खोल के 500 कंपनी खोल दिया और 500 कंपनी में अपना पैसा डाल दिया, 500 करोड़ रुपया को एक एक करोड़ करके 500 कंपनी में डाल दिया, ठीक है, इब्राहिम ट्रेडिंग ये कंपनी वो कंपनी हैन कंपनी तैन कंपनी सब अलग अलग कंपनीज उसने खोल दिया, 500 कंपनी बना दिया, ठीक है, 500 कंपनी जब उसने बनाया, अब क्या किया, वो रुपया से क्या करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा इंडियन मार्केट में, शेयर मार्केट में, FII, FDI, FPI, ये सारा इन्वेस्टर बन के वो रुपया डाल देगा। अब क्या हो गया, ये जो रुपया है क्लीन होके वापस से इंडियन इकोनॉमी में आ गया रुपया, ये रुपया क्लीन होके वापस से इंडियन इकोनॉमी में आ गया, और क्या हो गया, इससे जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो क्या कर रहा है, फॉरेन में जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, इंडिया का इकोनॉमी ड्रेन हो रहा है,
ड्रेन हो रहा है ना, इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है, इंस्टेड ऑफ आम जनता वो रुपया से अर्न नहीं कर पा रहा है, शेयर वेयर सब बाहर जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, उससे शेयर्स वेयर सब बाहर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इंडिया का इकोनॉमी ड्रेन हो रहा है, इंडिया का 500 करोड़ रुपया बाहर चला गया और इललेजिटिमेट इनकम लेजिटिमेट बन के आ गया जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा, और ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी टैक्स रिलीफ मिलता है, इन लोग के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, इन लोग को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को FDI को FPI को टैक्स नहीं लगता है, ये लोग क्या किया, अलग अलग कंपनीज में भी पैसा लगा के उसका ओनरशिप ले लिया, 30% ओनरशिप, 40% ओनरशिप, 50% ओनरशिप। तो ये जो बिजनेस है, अब ये जो पैसा है, ये प्रोसेस को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, ये प्रोसेस को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ये क्या हो गया, ये शेल कंपनीज हो गया। इसका और एक है, जैसे मान लीजिए जब स्मॉल ट्रेडर्स लोग का बात किया गया ना, अब स्मॉल ट्रेडर्स लोग क्या करेगा, स्मॉल ट्रेडर्स या फिर जो थोड़ा सा और जिसको बुद्धि है ना, वो प्लेसमेंट में नहीं रुक के, जैसे इंडिया का जो बेसिकली इंडिया का जो छोटा छोटा बिजनेसमैन होता है ना, वो लोग प्लेसमेंट ही करता है, कैश में पैसा किया, कैश में धंधा किया, छोटा 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 करके कैश सब जगह बैंक में डिपॉजिट कर दिया अपना डे टू डे ट्रांजेक्शन करने के लिए, या फिर कैश ही रख के रखा है, कैश में ही सारा खरीदारी बेचना सब कुछ करता है, मतलब प्लेसमेंट भी नहीं करता है, ब्लैक मनी अपने पास रख के रखता है, उसको क्लीन करता ही नहीं है, व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता ही नहीं, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग करता ही नहीं है। लेकिन जो ये सब दाऊद इब्राहिम और ये सब होते हैं ना, वो लोग को सदा सब चीज का ज्ञान हो जाता है, वो लोग मतलब बड़ा बड़ा पक्का मनी लॉन्डरर्स बन जाता है, जो बेसिकली इलीगल एक्टिविटीज में जो लोग ज्यादा रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग का इतना इनकम रहता है, वो लोग प्लेसमेंट भी नहीं करते, लेयरिंग में चल जाते हैं। लेयरिंग में क्या करते हैं ना, ये जो शेल कंपनीज बनाते हैं, शेल कंपनीज, या फिर क्या करते हैं, कैश बेस्ड बिजनेस में पैसा डालते हैं, या फिर क्या करते हैं, स्विस बैंक में रुपया डाल देते हैं। डेट मीन्स लेयरिंग क्या होता है, प्लेसमेंट में क्या होता है, अगर आप बैंक में पैसा डालते हो ना, तो आप सोर्स ऑफ जो है ना, सोर्स बहुत नजदीक हो जाता है बैंक के, बैंक अकाउंट बैंक में जाएंगे और पता चल जाएगा किसके नाम में पैसा डाले हैं। लेकिन लेयरिंग क्या होता है, वो सोर्स को छुपाने के लिए सोर्स को दूर करना फंड से, सोर्स को दूर करना, दाऊद इब्राहिम अपने आप को दूर कर रहा है फंड से, लेयर्स बना के, क्या लेयर्स बना के, शेल कंपनीज बना दिया अलग अलग नाम से, शेल कंपनीज बना दिया अलग अलग नाम से, या फिर क्या करेगा, लेयरिंग में जो छोटा छोटा बैंक अकाउंट में पैसा डाला हुआ है ना, प्लेसमेंट करके छोटा छोटा बैंक अकाउंट में जो पैसा डाला हुआ है ना, अब जैसे मान लीजिए SBI में पैसा डाल दिया 5 लाख रुपया, ठीक है, फिर उसके बाद BOI में, बैंक ऑफ इंडिया में डाल दिया 5 लाख रुपया, ICICI में डाल दिया 2 लाख रुपया, ऐसे ऐसे करके क्या करेगा, 100 करोड़ रुपया अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा, अलग अलग शेयर्स, भेल खरीद लेगा बेच देगा, गेल खरीदेगा बेच देगा, रिलायंस खरीदेगा बेच देगा, टाटा खरीदेगा बेच देगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके 7 ईयर्स तक वो क्या करेगा, यही सब करता रहेगा, खरीदेगा बेचेगा। तो क्या करेगा, उससे कोई इन्फॉर्मेशन आके पूछेगा ना कि भैया ये कहाँ से आया रुपया, तो हमने टाटा बेचा था ना, टाटा बेचा था उसके बाद आया, तो क्या रिलायंस बेचा था, गेल बेचा था, तो क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए आएगा ना, तो क्या बोलेगा कि हम तो शेयर ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, और उसके बाद सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तक पहुंच ही नहीं पाएगा कोई अगर मांगेगा। 7 साल तक वो शेयर ट्रेडिंग का ही बिजनेस कर रहा है, और 7 साल तक वो क्या कर रहा है, कुकिंग कर रहा है बुक्स का, ब्लैक मनी का पैसा से वो कुकिंग कर रहा है। डैट मीन्स क्या कर रहा है, वो लेयरिंग कर रहा है। इतना लेयर्स ऑफ ट्रांजेक्शन बना देगा ना कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट कर देगा पूरा इशू को, कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन से क्या करेगा, वो इशू कर देगा, कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन से पूरा इशू, मतलब एक ऐसा चीज क्रिएट कर देगा, लेयर्स क्रिएट कर देगा, बहुत मुश्किल होगा आपको सोर्स तक जाना, समझ रहे हो। डेट मीन्स मान लीजिए इलीगल आर्म्स ट्रेडिंग का बिजनेस करता है, ठीक है, उससे कैश आया 100 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया को क्या किया, वो डिवाइड कर दिया छोटा छोटा सब में, स्मॉल अमाउंट्स में डिवाइड कर दिया और बैंक में डाल दिया। दैट मीन्स प्लेसमेंट, ठीक है। अब लेकिन प्लेसमेंट से क्या होता है ना, बैंक में जाओगे तो क्या करोगे, सोर्स इजीली पता चल जाएगा, कौन रुपया डाला, बैंक नहीं बता देगा 2 मिनट में किसका बैंक में रुपया जा रहा है, और बस बैंक के पास जाओ, एड्रेस लो, आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, प्लेसमेंट क्या करता है ना, बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है क्रिमिनल को,
तो क्रिमिनल्स लोग क्या करता है ना, नेक्स्ट स्टेप में जाता है लेयरिंग में। लेयरिंग में क्या करता है ना, वो ऐसा ऐसा चीज करता है जिससे सोर्स पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो क्या करेगा ना, वो शेयर ट्रेडिंग का बिजनेस चालू कर देगा, और क्या करेगा, 10 साल तक शेयर ट्रेडिंग ही करता रहेगा। 10 ईयर्स तक, 10 ईयर्स तक शेयर ट्रेडिंग करता रहेगा। उससे क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोग को पकड़ना कि क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है, बहुत मुश्किल हो जाएगा पकड़ना। कि क्योंकि क्या होगा, 7 साल तक वो शेयर ट्रेडिंग ही कर रहा है, खरीद बेच खरीद बेच खरीद बेच खरीद बेच खरीद बेच खरीद बेच खरीद बेच। तो आदमी उसके पास जाएगा, मान लीजिए मैं ये PMLA का ऑफिसर हूँ, मैं उसके पास जाऊँगा, अरे भैया ये कहाँ से आया, तो मैंने टाटा बेचा ना, तो ठीक है टाटा का इनकम कहाँ से आया, टाटा जो तुमने खरीदा कहाँ से खरीदा, भेल बेच के खरीदा। अरे ठीक है भेल बेचा ना तुमने, भेल किसको बेच के खरीदा, सेल बेच के खरीदा। ठीक है सेल बेचा ना तुमने, सेल किसको बेच के खरीदा, केन इंडिया बेचा, केन इंडिया बेचा। ठीक है उसको बेच के किसको खरीदा, मतलब उसका इनकम कहाँ से आया, वेदांता को बेचा, समझा। तो वो क्या करेगा, फिर वो ऑफिसर क्या बोलेगा, ठीक है आपका शेयर ट्रेडिंग का बिजनेस है क्या, तो बोलेगा हाँ शेयर ट्रेडिंग का बिजनेस है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लेयरिंग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लेयरिंग। अब क्या करेगा, वो 7 साल तक, वो 7 साल तक जो लेयरिंग कर रहा है ना, 7 साल तक वो जो लेयरिंग कर रहा है ना, अब वो क्या करेगा, उसको इंटीग्रेट करेगा। इंटीग्रेट मतलब सारा धंधा को अपना बंद करके वो क्या करेगा, उस पैसा से अब ऐश करेगा। क्योंकि अब तो बहुत मुश्किल हो गया सोर्स का पता करना, सारा को अब बेच देगा, सारा बेच के एक जगह पैसा ले आएगा और उससे फिर ऐश करेगा। क्योंकि अब इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, अब तो इन्फॉर्मेशन यही हुआ ना कि वो शेयर ट्रेडिंग किया था, शेयर्स को बेच के अब पैसा कमा रहा है, समझ गए। तो देखिए प्लेसमेंट के बाद आ जाता है लेयरिंग, सेपरेटिंग फंड फ्रॉम द सोर्स, कन्वर्टिंग इलीगल मनी, इलीगल इनटू लीगल मनी बाय क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दैट इज सेपरेटिंग द फंड फ्रॉम द ओनर, डिसगाइज, डिसगाइज करना, ओनर से दूर कर देना, दैट मींस लेयरिंग, लेयर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस बना देना, कॉम्प्लेक्स लेयर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बना देना, जिससे क्या करना, जिससे डिफिकल्ट हो जाए इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी, ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी, ट्रू ओनर ऑफ द फंड, ट्रू ओनर ऑफ द फंड इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। जैसे नीरव मोदी ने किया था, नीरव मोदी क्या किया, अब इसमें क्या हुआ, शेल कंपनीज में भी क्या होता है, केमैन आइलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विस आइलैंड, केमैन आइलैंड, स्विट्जरलैंड, पनामा आइलैंड, यहाँ पे अलग अलग जगह क्या करते हैं सेलिब्रिटीज लोग या फिर बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज लोग अपना पैसा डाल देते हैं, अपना पैसा डाल देते हैं और फिर क्या करते हैं शेल कंपनीज में पैसा डाल देते हैं। वहाँ पे क्या, वहाँ से क्या करते हैं शेल कंपनी क्रिएट करते हैं, उसमें पैसा डाल देते हैं, फिर वो पैसा को आप इन्वेस्ट करते हो कोई इंडिया कंपनी में, इंडियन कंपनी। बेसिकली क्या हो रहा है, ये इंडिया का ब्लैक मनी ही घूम के वाइट मनी बन के इंडिया में आ रहा है। डैट मीन्स इट इज़ अ ट्रू सर्कल, सर्कल है पूरा, साइकिल है पूरा, समझ गए। तो इंटीग्रेशन मतलब री एंट्री ऑफ फंड, री एंट्री ऑफ द फंड इन द इकोनॉमी विच अपीयर्स टू बी लेजिटिमेट, मतलब वो जो पैसा है वो इकोनॉमी में फिर वाइट बन के आ रहा है, वो इकोनॉमी में फिर वाइट बन के आ रहा है और वो अपीयर होता है कि वो लेजिटिमेट इनकम है। ठीक है, दैट मींस ये 3 स्टेप होता है मनी लॉन्ड्रिंग को पूरा कंप्लीट कर देता है, इट कंप्लीट्स द मनी लॉन्ड्रिंग, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। ये पूरा जो प्रोसेस है ना, एक जबरदस्त एक मूवी में दिखाया गया था, मैं आपको दिखाता हूँ वो मूवी का सीन। गजब गजब का दिखाया था, गजब का सीन है, आपको मजा आ जाएगा एकदम देख के। देखिए ये जो सीन है ना, एकदम जबरदस्त सीन है। लो दोस्त चाय पियो, और कुछ भिजवाओ, बस है पा। ठीक है। तो इस सीन में क्या दिखाया ना, शिवाजी द बॉस है ना, ब्लैक मनी को कन्वर्ट करता है व्हाइट मनी में, पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से दिखाया हुआ है सीन में। 20 लाख करोड़ रुपए इंडिया को, तुम अकेले कैसे करोगे। देखिए क्या करता है, गुंडा लोग इकट्ठा करता है, गुंडा लोग से क्या करता है, पॉलिटिशियंस लोग से पैसा लेता है, कैश में पैसा आता है वो सारा। पॉलिटिशियंस लोग को बोलता है कि भैया हम तुम्हारे बारे में बता देंगे गवर्नमेंट को, मेरे को पूरा इन्फॉर्मेशन है कि तो आप पैसा आप कैसे कैसे कमा रहे हो। तो उन लोग से क्या करता है, वो सारा पैसा उन लोग से ले लेता है। मेहरबानी कर, क्या करता है, गुंडा लोग बन के पैसा सारा इकट्ठा कर लेता है।
आप देखिए क्या कर रहा है, ये पैसा को एक जगह रख दे रहा है, एक जगह स्टोर करके रख रहा है। आप देखिए क्या कर रहा है, ये पूरा ट्रांजेक्शन आप देखिए क्या कर रहा है, वो जा रहा है कहीं बाहर में, यूएस में जा रहा है, यूएस में किसी एजेंट से मिलता है जाके। देखिए कैसे हवाला ट्रेडिंग हो रहा है जबरदस्त तरीके से। देखिए अब कहाँ शिवा, देखिए यूएस में आया है, यूएस में जाके फिर अभी हवाला ट्रेडिंग कर रहा है। अनऑफिशियली ढेर सारे कंप्लेंट्स हैं, करोड़ों के हिसाब से पैसे लूटे जा रहे हैं, जो भी गाड़ी बड़े पार्सल के साथ मिले उसे फौरन चेक करो। मटेरियल रिसीव्ड, हैंड ओवर द मनी टू द कंसर्न पार्टी, आइडेंटिटी 1000 रुपीस इंडियन करेंसी, सीरियल नंबर पैसा मिल गया, यहां पे नोट नंबर दिखा रहा है 592, और यहां पे इसको वाइट, यहां पे इसको डॉलर्स मिल जाएगा, वहां पे कैश दे दे, यहां पे डॉलर्स मिल जाएगा। ऑब्वियसली स्विट्जरलैंड में तो डॉलर ही चलेगा ना, वहां पे कैश इंडियन मनी, कैश इंडियन मनी मिला, रुपी मिला, यहां पे इसको डॉलर मिल गया। क्या क्या वो नोट नंबर दिखाया, जैसे आप लोगों को बताया था एक नोट नंबर दिखाया जाएगा। फ्रेंड्स ये सारे पैसे आप क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, शेल कंपनी बनाएगा, आपके जान पहचान वालों को भेज, बड़ा शेल कंपनी बना के फिर उन्हें इन्हीं पैसों को शिवाजी फाउंडेशन के तौर पर, शिवाजी फाउंडेशन में रुपया आएगा, इस तरह ब्लैक के साथ क्या व्हाइट करके वो रुपया आ जाएगा, डोनेशन दिखाएगा। अब इतना आदमी है, देखिए 100 आदमी, इतना रुपया अलग अलग आदमी में डिवाइड हो गया और रुपया शिवाजी फाउंडेशन में डोनेशन बन के आ गया, तो दैट इज क्या हो गया, व्हाइट मनी बन के आ गया पूरा रुपया। बहुत जबरदस्त तरीके से देखिए मनी ट्रांसफर्ड, अलग अलग बैंक से देखिए पैसा आ रहा है और उसके पास रुपया इकट्ठा हो ही जा रहा है, सब डोनेशन बन के आ रहा है शिवाजी फाउंडेशन। क्या बोलेगा कि हम तो सेमिनार करने गए थे, सेमिनार में गए और इतना सारा रुपया आ गया, देखिए अब डॉलर्स में रुपया आ गया इसके पास, अब डॉलर्स में रुपया आ गया तो क्या हुआ, ये सब क्या बन के आया, शेल कंपनी से आया ना, यहाँ पे इंडिया में भी एक शेल कंपनी बना दिया और वहाँ पे बाहर में भी अलग अलग शेल कंपनी से डोनेशन के तौर पे रुपया आ गया। गवर्नमेंट क्या बोलेगा, आप फाउंडेशन है यार, एक गवर्नमेंट क्या करता है, लेजिटिमेट इनकम, ये लेजिटिमेट इनकम बन के दिखा दिया। अब क्या करेगा ये, उसके अगेंस्ट में लड़ेगा जो आदमी, ठीक है, समझ में आया, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन शेल कंपनीज बना दिया, बहुत सारा रुपया है ना, आप इंडिया में कैसे लेयरिंग करोगे, कितना शेयर्स खरीदोगे बेचोगे, तो इसमें बड़ा रूप अपनाया जाता है। मतलब क्या किया जाता है, स्विट्जरलैंड में रुपया डालो बैंक अकाउंट में, फिर वो रुपया को आपको इंडिया में ही चाहिए, क्योंकि आप तो इंडिया में बैठे हो ना, आप बाहर जाके कैसे रहोगे, आप तो इंडिया में बैठे हो, तो क्या करोगे, आप अलग अलग चैनल से वो रुपया को इंडिया में लाने का कोशिश करोगे, वाया डोनेशन, वाया शेयर मार्केट, वाया FDI, कोई और कंपनी में ओनरशिप ले लेना, तो अलग अलग तरीके से वो पैसा को आप इंडिया में लाने का कोशिश करोगे। तो ये चार्ट आप लोग देख लीजिए, कैश, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, देन दे कन्वर्ट, दे कम बैक टू द इंडियन इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ लेजिटिमेट मनी, ठीक है। तो आज यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है, फिर बुक से मार्किंग भी करेंगे, बुक से मार्किंग अपने कल करेंगे, ठीक है, और कल ट्राई करेंगे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने का। बेसिकली क्या मनी लॉन्ड्रिंग होता है ना, वो दिमाग में जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, फिर उसके बाद तो एकदम इजी हो जाता है कॉन्सेप्ट, एक बार समझ जाने के बाद बाकी सारा चीज़ इजी हो जाता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।